लोग अक्सर जो है चुनाव जीतने के बाद खुश होते हैं, आप पहले इतना खुश है, इस खुशी का राज बता दीजिए। माला कौन पहना दिया आपको? माला हमारे समर्थक नहीं, हमारे साथ क्या हमारे 18 वर्ष के हुआ 5 किलो राशन पे मतदान करेंगे कि अपने भविष्य के लिए विकास में मतदान करेंगे? तो पूर्व में आप पत्रकार भी रहे हैं, वर्तमान में भी पत्रकार हैं, लेकिन अब तो नेता माने जाएंगे, नेता माने जाएंगे तो पत्रकार, एक पत्रकार और नेता बन गया मनीष कश्यप। क्या कहेंगे? तो झंडा लहरा देना इस बार, झंडा गाड़ दिए हैं, गाड़ दिए हैं देवरिया कुशीनगर से, देख लीजिए दोनों जगह जीत जाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लीजिए, ये अखिलेश दास गुप्ता जी हैं। वैसे इस तरह की के मुस्कुराहट जो है 4 जून के बाद आने वाली है लोगों की, लेकिन इनकी पहले ही आ गई है। नामांकन करने आए हैं, कुशीनगर लोकसभा के प्रत्याशी हैं, पूर्व में पत्रकार भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है चुनाव में जीत हार तो अलग है लेकिन जज्बा इनके अंदर देखने वाली है, क्योंकि ये कुशीनगर लोकसभा के भी प्रत्याशी हैं और देवरिया लोकसभा के भी प्रत्याशी है, यानी दो दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे मन में विचार आ गया नेता बनने का? सबसे पहले देवरिया और कुशीनगर की सम्मानित जनता को जनार्दन को नमस्कार, सादर प्रणाम, दिल से आभार। मैं जनता की, गरीब को और सम्मानित क्षेत्रीय लोगों को देख रहा हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से आज हमारे क्षेत्र में विकास की कमी है, विकास कोसों दूर है। तो हम विकास को की गंगा बहाने के लिए इस कुशीनगर देवरिया लोकसभा को मैं चुना हूँ कि मैं देवरिया और कुशीनगर से चुनाव जीतता हूँ तो पूर्वांचल में पहला नंबर होगा गोरखपुर मंडल में कुशीनगर जनपद, क्योंकि मैं कुशीनगर जनपद से मिलान करता हूँ और तमकोहीराज के फाजिला विधानसभा से रहने वाला हूँ। एक बात बताइए हमको नेताजी, ताकि आज का जो दौर है वो ब्रांडिंग वाला दौर है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, उसमें कहाँ बचेंगे, छिटा जाएंगे आप? जनता तो जवाब देगी इंडिया गठबंधन और भाजपा को, जनता भाजपा के शासन को देख चुकी है, 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख देंगे, 15 लाख से चालू होकर के 5 किलो राशन पे आ गए। राशन पे क्या हमारे 18 वर्ष से हुआ 5 किलो राशन पे मतदान करेंगे कि अपने भविष्य के लिए विकास में मतदान करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे सम्मानित देवरिया और कुशीनगर के युवा वर्ग के जो 18 प्लस में हैं, पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उनसे मेरा गुजारिश है कि आप लोग 5 किलो राशन पसंद करेंगे कि अपना भविष्य का पसंद करेंगे? मैं शिक्षा स्वास्थ्य पे फोकस करूंगा और रोजगार पे फोकस करूंगा। देवरिया कुशीनगर में चीनी मिल का स्थापना कराना मेरा पहला लक्ष्य है। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल जैसे मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं तो हमारे क्षेत्र में कोसों दूर है, यूपी बिहार का बॉर्डर है, वहाँ पे लोग इलाज कराते कराते रास्ते में दम तोड़ देते हैं गोरखपुर जाते जाते। तो ये सब आप लोगों के सामने है। रह गया बात कि आज का जो दौर है यह दौर विकास से कोसों दूर रह गया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे लोगों से तो आप बता रहे थे कि आप बस्ती के भी प्रत्याशी बनना चाहते थे, आपकी दिली इच्छा थी लेकिन आपको प्रस्तावक नहीं मिले। कहने का मतलब ये है कि ये संविधान है, भारत लोकतंत्र का देश है, तो यहाँ पे कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, 3 जगह से पर्चा दाखिला कर सकता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अधिकार है। ये बताइए हमको, आज मैं अधिकार का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। इसके पूर्व में भी चुनाव लड़े हैं? लड़े हैं, विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, 5वां नंबर था तुमको विधानसभा 336 से। अच्छा, कितना वोट पाए थे? 5वां नंबर था, वोट का बात छोड़िए ना, 5वां 12 प्रत्याशी में 5वां नंबर था मेरा। लेकिन ये बताइए आज के दौर में जहाँ नेता लोग भारी भरकम पैसा रुपया खर्च करके प्रोग्रामिंग मंचिंग बड़े बड़े स्टार प्रचारक आते हैं, ऐसे अखिलेश भाई गुप्ता जी जो है कैसे टक्कर देंगे? टक्कर तो हमको आत्मविश्वास है, तभी तो 2 लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ाई किससे है, विजय दुबे से, स्वामी प्रसाद मौर्य से, या अजय सिंह पिंटू से? किससे हमारी लड़ाई? किसी से नहीं है, जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा, पूछ लीजिए क्यों। आज तो मैं वैश्य समाज का जिला अध्यक्ष हूँ, वैश्य समाज से मिलान करता हूँ, पिछड़ा समाज से मिलान करता हूँ, और ये पूरा बैकवर्ड और वैश्य समाज एक तरफा वोट हमको करने जा रहा है और मैं चुनाव भारी बहुमत से जीतने जा रहा हूँ। लोग अक्सर जो है चुनाव जीतने के बाद खुश होते हैं, आप पहले इतना खुश है, इस खुशी का राज बता दीजिए। इस खुशी का राज है कि 5,60,000 देवरिया मतदाता है वैश्य समाज से मिलान करते हैं, उसके बाद से पिछड़ा समाज के हैं, तो देवरिया में एक तरफा चुनाव में जीत रहा हूँ, क्योंकि तमकोहीराज और फाजिला विधानसभा से अकेला हूँ। आपको लगता है यह राय इतनी आसान है? एकदम आसान है, एकदम आसान आसान कहा जाता है, वो तो भाजपा का गढ़ माना जाता है, भाजपा का गढ़ माना जाता है, उसके पहले भी गोरख जायसवाल सांसद बने थे 2009 में, याद कर लीजिएगा। श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी को, मोहन सिंह को, बलेश्वर यादव को हराने का काम गोरख प्रसाद जायसवाल किए थे, इतना देख लीजिएगा बसपा के सिंबल पे।
तो पूर्व में आप पत्रकार भी रहे हैं, वर्तमान में भी पत्रकार हैं, लेकिन आप तो नेता माने जाएंगे, नेता माने जाएंगे तो पत्रकार एक पत्रकार और नेता बन गया मनीष कश्यप। क्या कहेंगे? तो हम तो भैया हिंदी दैनिक राष्ट्रीय अवतार के भी हैं, यूपी आज तक से हैं, तो हम तो ये नहीं है कि हम भाजपा के गोद में खेलने वाले बैठने वाले हैं, नहीं बैठने वाले हैं। हमारा प्रथम मुद्दा बैठ जाते हैं, हम बैठने वाले नहीं हैं। हमारा पहला मुद्दा देख लीजिए, हमारा मैनिफेस्टो है 5 साल में 5 लाख गरीबों के परिवार में ई रिक्शा बांटेंगे, जो कि अपने आप को स्वरोजगार पैदा करेंगे, लोग हर साल ई रिक्शा 1 लाख बांटेंगे। सरकार का बजट है ना, सरकार का बजट है, इंटर पास छात्र छात्राओं को एंड्रॉइड फोन देंगे, उसके बाद तीसरा नंबर विकल्प हमारा सहारा और पीएससीएल का पैसा रिफंड कराना पहला बजट में। भाजपा के गृह मंत्री जो हैं सरकार में अमित शाह जी ने 3-4 महीने पहले बोल दिया था, तो ये तो लोग कुछ करा ही नहीं पाए, तो आप एक सांसद बनने के बाद कैसे करा सकते हैं? अरे भैया अमित शाह जी तो कहे थे कि 10,000 रुपया आप लोगों के खाते में जाएगा, सहारा का पैसा किसी के खाते में आया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आया हो तो बता दें। लेकिन मैं इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी सहारा में पैसा है, गाही कमाई पैसा है हमारा, इसीलिए चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं कहीं। अरे जो भी समझ लीजिए, जनता के भलाई के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के लिए खून पसीना में बात भलाई होती है क्या? नेता जब चुनाव में आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, जीतने के बाद वो अपना ही भलाई करते हैं, अपना गाड़ी बंगला बनवाते हैं और जनता जो है फार्म भरने चली जाती है। मेरा लक्ष्य है सबका साथ, गरीबों का विकास, क्योंकि मैं गरीब का बेटा हूँ। गरीब का बेटा अक्सर गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते अमीर बन जाता है और गरीब गरीब ही रहता है। नहीं, आप हमारे रिकॉर्ड देखिएगा, हमारे इतना बसपा और सपा की सरकार में धरना प्रदर्शन कोई नहीं किया होगा बिजली के लिए। ये माला कौन पहना दिया आपको? माला हमारे समर्थक नहीं, हमारे साथ पहुंचा दिए। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य भी आए थे, मुलाकात हुई थी? नहीं, वो मुलाकात हमारे पर्चा दाखिला करने के पहले निकल गए। ये कुछ लोग अभी यही आम चर्चा कर रहे थे कि ये नामांकन करते हैं उसके बाद इनकी सेटिंग हो जाती है। कौन कह रहा है सेटिंग रहता है? 5वां नंबर हमारा आता तो हम गुजरात विधानसभा में तो झंडा लहरा देना इस बार। झंडा गाड़ दिए हैं, गाड़ दिए हैं देवरिया कुशीनगर से, देख लीजिए। दोनों जगह जीत जाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे दोनों जगह जीतेंगे तो जगह से इस्तीफा देंगे। अच्छा, आपको लगता है दोनों जगह जीत जाएंगे? लेकिन हमारा गृह तो जिला कुशीनगर, हम यहीं से सांसद रहेंगे, यहीं से रहेंगे। देवरिया लगा हुई, देवरिया रह रहे, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे। अच्छा, तो ये अखिलेश दास गुप्ता जी हैं, पेशे से पत्रकार हैं, चुनाव जीत हार तो अलग है लेकिन इनके जज्बे को जो है सलाम है, क्योंकि जो है ये कह रहे हैं लोकतंत्र की ताकत है और चुनाव लड़ने से यह पता चलता है कि आम आदमी का भी उसमें अधिकार है। और इनका कहना है कि हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे विजय दुबे हो, चाहे अजय सिंह पिंटू जी। कुछ बात छूट गया, एक बार और बात कर लेते हैं जी। हाँ, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, एक बार जो सांसद बनता है, विधायक बनता है, उसका पेंशन लागू हो जाता है, भले 24 घंटा के लिए विधायक बन जाए, लेकिन जो 30 साल नौकरी करता है, सर्विस में रहता है, उसका पेंशन लागू नहीं होता है। तो मेरा यही मांग है कि सबसे पहले सांसद और विधायक का पेंशन बंद करना, और दूसरा काम जो सर्विस में है उसका पुरानी पेंशन बहाली करना मेरा काम है। मैं संसद में सबसे पहला मुद्दा यही उठाऊंगा कि पुराना पेंशन बहाली किया जाए। चलिए, तो अखिलेश दास गुप्ता पत्रकार हैं, चश्मा लगाए हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, चुनाव जीतने के पहले ये मुस्कुराहट देखने लायक है, लेकिन 1 जून को जब मतदान होगा तब पता चलेगा कि कुशीनगर की जनता किसको कुशीनगर का सांसद बनाती है। वैसे अभी जिस भी प्रत्याशी से बात कीजिए वो सब कहेंगे कोई नहीं है टक्कर में, लेकिन 1 तारीख को असली बात पता चलेगी। और भोजपुरी में एक कहावत है कि ए नहुआ कितना बार वाह अगहीं आई।